हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे जेनिक फैमिली में। आज का ये सेशन हमारे दोनों ही यूट्यूब चैनल्स जेनिक एजुकेशन और जेनिक जेई स्टडी में जाने वाला है। तो आज का डेट है 29 अगस्त और आज है नेशनल स्पोर्ट्स डे। चूँकि ये दिन मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्मदिवस भी है, तो उसके उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद सिंह को तो आप जानते ही होंगे, वे हॉकी के प्लेयर थे, ठीक है। ये जो है स्पोर्ट्स डे, वो युवा कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, नाम में ही है युवा, ठीक है। तो ये दिवस जो है युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे आधुनिक ज़िंदगी में स्पोर्ट्स का काफ़ी मदद महत्व बढ़ चुका है। फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हर कोई चाहता है कि मैं फिट रहूं, तो इसके लिए भारत सरकार भी हमारी काफ़ी योजनाएं ला रही हैं। जैसे कि आपने पिछले बार देखा रहा होगा, सन 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट आया था, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, है ना। तो ऐसे ही योजनाएं ला रही है भारत सरकार खेल को प्रोत्साहन देने के लिए। जैसा कि हम देखते हैं कि ओलंपिक होती है, उसमें भारत की पॉपुलेशन तो काफ़ी ज़्यादा है, परंतु हमारे स्वर्ण पदकों की संख्या कम होती है। तो ओलंपिक में हम ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीत सकें, इसके लिए इस दिवस का आयोजित किया जाता है। और साथ ही साथ कुछ योजनाएं भी हैं जो चल रही हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाएं और स्पोर्ट्समैनशिप को बढ़ावा मिले, ठीक है। तो आज का ये दिन मैंने आपको बताया, 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद सिंह के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये दिवस क्यों मना रहे हैं? ये दिवस हम मना रहे हैं युवाओं को खेल के प्रति उत्साहित करने के लिए, ठीक है, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए। जैसे आप देखते हैं किसी किसी आयोजन में पुरस्कार का भी, नगद पुरस्कार का प्रावधान रहता है उसमें, ठीक है, ताकि खिलाड़ी को प्रोत्साहन मिले, उसको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो केंद्र सरकार कर रही है। अभी आप देखते होंगे खेल मंत्रालय के मंत्री जो हैं, मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ में। हमारा जो पिछला जो टेन्योर था, जिस गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट का पिछला टेन्योर जो 5 ईयर्स का था, उसमें भी राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने काफ़ी अच्छे प्रयास किए थे। खेलो इंडिया भी आया था, ठीक है ना, खेलो इंडिया आया था, जिसमें जैसे आप देख रहे हैं कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं अपने जो टास्क हैं वो वीडियोज़ बना बना करके एक दूसरे को भेज रहे हैं, ताकि यूथ इनसे कनेक्ट हो सके और जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स डे ये कब से प्रारंभ हुआ। तो जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी 2012 में, तब से ये नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। अच्छा, मनाया कहाँ पे जाता है, ठीक है, मनाया कहाँ पे जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में ये दिवस आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के खिलाड़ी आते हैं और उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है ना। अभी आप, अभी से 2-3 घंटे पहले आप शायद अगर देखे हो YouTube पे लाइव या किसी न्यूज़ चैनल पे या DD नेशनल पे अगर आपने देखा होगा, तो आपको ये आयोजन दिखा होगा जिसमें खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया होगा। साथ ही साथ कुछ पुरस्कारों में नकद का भी प्रावधान रहता है, नकद पुरस्कार उन्हें दिए जाते हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। जैसे आपने देखा कि इस साल रोहित शर्मा, ईशान शर्मा, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं, उन्हें भी पुरस्कृत किया गया है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले, तो जो दिवस मैंने बताया मेजर ध्यानचंद सिंह के बारे में, मेजर ध्यानचंद सिंह जी का जन्म कब हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। वो कहाँ जन्मे, डेथ कब हुआ उनका, क्या उनके नाम से किसी बड़े स्टेडियम स्मारक का नाम बदला गया है क्या, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था, अर्थात आज से 105 वर्ष पहले, ठीक है। हॉकी के प्लेयर हैं, सभी जानते होंगे उनको। अच्छा, एक बात है, हॉकी के प्लेयर हैं, हॉकी में काफ़ी सारे मेडल लाए हैं। इंडिया का जो नेशनल स्पोर्ट है, नेशनल गेम है, वो हम लोग सोचते हैं कि वो हॉकी है, मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि वो हॉकी है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। कोई ऑफिशियली उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि वो नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया है, बस एक बोल चाल में कह दिया जाता है कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है,
वो ऑफिशियली एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हॉकी के बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद सिंह, उनके बचपन का नाम था ध्यान सिंह, उनका जन्म हुआ था प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में, ठीक है, और उन्हें निकनेम दिया जाता है जो कि है मैजिशियन ऑफ हॉकी, ठीक है, हॉकी के जादूगर, ठीक है। तो आपके स्क्रीन में अभी आपके स्क्रीन में मेजर ध्यानचंद सिंह जी का फोटो आएगा, आपके स्क्रीन में फोटो ला देंगे। ठीक है, फोटो आपकी स्क्रीन में अभी आ जाएगा थोड़े ही टाइम पे। वो है मेजर ध्यानचंद सिंह, जो कि काफ़ी मेडल्स, गोल्ड मेडल्स जीत के लाए हैं, ठीक है ना। उन्हें कहा जाता है कि अगर उनकी हॉकी स्टिक में एक बार अगर बॉल आ गई, एक बार बॉल अगर उनकी हॉकी स्टिक में आ गई तो वो तभी अलग होती थी जब वो गोल पे चली जाए, ठीक है, इतनी अच्छी उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी थी। तो यही कहना चाहते हैं हम कि प्रैक्टिस कीजिए सारी चीज़ों को, उसके बाद हर चीज़ आसान हो जाती है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि प्रयागराज में उनका जन्म हुआ था, वे 1926 से 1948 तक अर्थात 22 ईयर्स 22 ईयर्स उन्होंने हॉकी में समय बिताया, और इसके दौरान उन्होंने 400 गोल्स मारे, 400 इंटरनेशनल गोल्स उन्होंने किए थे, ठीक है, 400 गोल्स पूरे कैरियर में उन्होंने किए। हालांकि अगर आप इंटरनेशनल छोड़ दें तो लगभग 1000 प्लस उन्होंने गोल्स किए होंगे, बट इंटरनेशनल में उनके 400 गोल्स थे। एक बार का किस्सा है, जब वो नीदरलैंड गए हुए थे एक मैच में, जिसके दौरान गेंद उनकी स्टिक से अलग नहीं हो रहा था, तो लोगों ने उनकी स्टिक को तोड़वा कर या फिर छिल कर पता करना चाहा, उन्हें लगा कि उनकी स्टिक में कोई मैग्नेट या कुछ ऐसा है क्या जो बॉल को चिपका करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है, बट ऐसा कुछ मिला नहीं। तो मेजर ध्यानचंद सिंह जी ने उसी ही समय एक अम्ब्रेला लिया, एक छाता लिया, और वही सेम चीज़ उस छाते के साथ करके दिखाई, ठीक है ना। तो इस चीज़ की जब उनसे पूछा गया इस चीज़ के बारे में उनसे कि ऐसा कैसे, तो उन्होंने बताया कि वो डेली ही इस चीज़ की प्रैक्टिस करते आए हैं। वे रेलवे ट्रैक आप देखते हैं ना, काफ़ी पतला सा होता है, उस पे वो उस बॉल को स्ट्रेट ले जाया करते थे स्टिक के सहारे से। तो ऐसे उन्होंने प्रैक्टिस की है, और आप भी प्रैक्टिस करते रहिए जी, तो एक दिन आपको गोल जरूर अचीव होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं उन्हें 1956 में, इसके बाद की स्लाइड में आपको दिखेगा कि 1956 में उन्हें भारत के थर्ड हाईएस्ट अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण आप जानते ही हैं, थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है, जो कि एक सिविलियन अवार्ड है, ठीक है ना, एक सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण, थर्ड बिगेस्ट अवार्ड है सिविलियंस के लिए। फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, देन आता है पद्म भूषण, एंड देन आता है पद्म श्री, ठीक है। तो पद्म भूषण से थर्ड हाईएस्ट अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था 1956 पे, ठीक है। इसके बाद ओलंपिक में भी वो पार्टिसिपेट किए थे इंडिया की तरफ से, इंडिया हॉकी टीम से। ओलंपिक था 1928 जो कि एम्स्टर्डम में खेला गया था, 1932 जो कि लॉस एंजलस में खेला गया था, और इसके साथ 1936 का जो कि बर्लिन में खेला गया था। स्पेशल बात यह है कि 1936 का जो ओलंपिक जो बर्लिन में खेला गया था उसमें वे कप्तान थे, उसमें वे टीम के, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी थे। इस दौरान एडॉल्फ हिटलर जो कि जर्मनी के तानाशाह हैं, वो भी उनसे, उनके खेल से प्रभावित हुए थे, और उन्होंने उनसे मुलाकात करनी चाही थी, और उन्होंने मुलाकात की भी थी मेजर ध्यानचंद सिंह जी से, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि 3 ओलंपिक उन्होंने जीती है, मैं इसके पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 1926 से 48 22 ईयर्स वो ओलंपिक खेले हैं, हॉकी खेले हैं, ठीक है। गजब सर, ओके, थैंक यू। चांदनी रात में खेलते थे इसलिए ध्यानचंद नाम रख दिया गया था। जी हाँ, उनके दोस्तों ने ये नाम उन्हें दिया था, उनका बचपन का नाम था ध्यान सिंह,
ध्यानचंद सिंह हुआ क्योंकि वो रात में प्रैक्टिस करते थे, तो उनके दोस्तों ने, ये चंद जो उनके नाम में मिडिल में आता है वो उनके दोस्तों ने ये नाम दिया था। थैंक यू ये चीज शेयर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा वो ये कि 29 अगस्त, अभी मैंने बताया था फिट इंडिया मूवमेंट जो कि नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था पिछले साल नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन 29 अगस्त 2019 को, ठीक है ना, ये भी यूथ को स्पोर्ट्स से जोड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना थी। तो आप इसका डेट याद रख सकते हैं, इसका डेट आप याद रखिए। ठीक है, इसके बाद है जैसा कि मैं बता रहा था एक स्पोर्ट्स का मंत्रालय है, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है ना, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है। कैबिनेट मिनिस्ट्री भी अलग अलग कैटेगरी में होती है, जिसमें एक कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, उसके साथ राज्य स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, राज्य मंत्री, ठीक है, तो ये कैबिनेट मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। जो खेल मंत्रालय है वो राज्य मंत्रालय के जैसा एक कैटेगरी पे है और जिसके हेड हैं, ठीक है, खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, ठीक है, जो कि स्वतंत्र आभार के राज्य मंत्री हैं खेल मंत्रालय के, ठीक है। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, आपके स्लाइड में नज़र आ रहा होगा, मैंने पहले अभी बताया कि ये जो नेशनल स्पोर्ट्स डे का जो आयोजन होता है, सेलिब्रेट किया जाता है, वो किया जाता है राष्ट्रपति भवन में। आपने टीवी में भी, न्यूज़ चैनल्स में भी इसे देखा होगा, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ अवार्ड्स के ऊपर। अवार्ड्स की बात करें, पहले कमेंट्स ले लेते हैं। यू हैव गुड नॉलेज सर, ओके थैंक यू, वेरी इंटरेस्टिंग। पुराना आहे का ये मुझे समझ नहीं आया ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देते हैं कि अवार्ड्स क्या क्या हैं। एक्चुअली इसमें 7 मेजर अवार्ड्स, ठीक है, 7 मेजर अवार्ड्स हैं जिनके ऊपर पुरस्कार दिया जाता है, अवार्ड्स दिए जाते हैं खिलाड़ियों को। बट हम 4 अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, 4 मेन अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, इंडिया के 4 मेन अवार्ड्स के बारे में, ठीक है, जिसमें पहला है अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार, दूसरा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, थर्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, और फोर्थ है मेजर ध्यानचंद सिंह अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, जैसे कि द्रोणाचार्य आपको नाम दिख रहा होगा, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो कोचेस को दिया जाता है। आप महाभारत का एक कैरेक्टर जानते होंगे गुरु द्रोण, जो कि गुरु थे, ठीक है, तो उसी प्रकार कोचेस को ये अवार्ड दिया जाता है, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन में जैसे दिख रहा है कि अर्जुन अवार्ड के सामने 27 लिखा हुआ है, ये जो 27 है ये बता रहा है कि इस साल 2020 में 27 खिलाड़ी नॉमिनेट हुए अर्जुन अवार्ड के लिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए 5 खिलाड़ी और द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए 13 खिलाड़ी और इसके साथ मेजर ध्यानचंद सिंह अवार्ड के लिए 15 खिलाड़ी नॉमिनेट हुए। ये जो गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड है ये भी 2 कैटेगरी में आता है। इसमें एक कैटेगरी होती है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए और दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है रेगुलर के लिए, रेगुलर कैटेगरी। तो ये भी अलग अलग 2 कैटेगरी है गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड की, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपको 13 अवार्ड जो दिख रहे हैं वो 2 कैटेगरी में है। फर्स्ट कैटेगरी लाइफ टाइम अचीवमेंट में आपको 8 अवार्ड मिलेंगे और दूसरी जो कैटेगरी है रेगुलर में उसमें 5 अवार्ड्स अलॉट हुए हैं अभी खिलाड़ियों को 2020 में, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे अर्जुन अवार्ड के बारे में जानने के लिए। तो अर्जुना अवार्ड जो है, जितने भी अवार्ड है जैसे मैंने बताया कि वो खेल मंत्रालय के द्वारा ही ऑफिशियली दिए जाते हैं, ठीक है। तो अर्जुन अवार्ड जो है वो उत्कृष्ट खिलाड़ी को दिया जाता है, ठीक है ना, सबसे अच्छे खिलाड़ी को अपने खेल में प्रदर्शन के लिए, अपने खेल के सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ी को दिया जाता है अच्छे प्रदर्शन के लिए, ठीक है। तो ये है अर्जुन अवार्ड और इसमें आपको एक स्क्रॉल तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है खेल मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, इसमें अर्जुन अवार्ड में एक जानने वाली बात यह है कि 1961 से ये अवार्ड देना स्टार्ट किया गया है इंडिया में, ठीक है। इसके हिसाब से इसमें कितने साल हो गए, 59, बट अगर आप 61 भी अगर आप लें तो 60, इस साल 60वां अवार्ड हुआ होगा अर्जुना अवार्ड, और अगर आप वर्ड्स कार्ड देखें तो वो होगा 59,
ठीक है। इसके बाद आते हैं हम द्रोणाचार्य अवार्ड्स की तरफ। द्रोणाचार्य अवार्ड्स, जैसे कि मैंने बताया, गुरु द्रोण के नाम पर इसे रखा गया, तो वो कोच को दिया जाता है, जो बेस्ट कोच होते हैं अपने खेल से संबंधित, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है सर, गेट के लिए इम्पॉर्टेंट है ये आप पूछ रहे हैं, तो मैं ये बता दूं, भले गेट में आए या ना आए, बट आप कोई भी एग्ज़ाम जहां आप करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भी आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आप अपने सोसाइटी में जा रहे हैं, या फिर कहीं भी आप दो चार लोगों से अगर आप बात करें, तो आपको ये सारी नॉलेजेस होनी चाहिए। ठीक है ना। अब आता है गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, तो ये स्टार्ट हुआ था 1985 से, 1985 से ये अवार्ड स्टार्ट हुआ भारत में, और ये कोच को दिया जाता है। ठीक है, ये भी खेल मंत्रालय के दिया जाए के द्वारा दिया जाएगा, और आपको स्लाइड में दिख रहा है ये दो कैटेगरीज जो हैं, दो कैटेगरीज जो मैंने पहले बताया, एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, ठीक है, और दूसरा है रेगुलर कैटेगरी के लिए। तो मैंने जैसे बताया, लाइफ टाइम के लिए 8 और रेगुलर कैटेगरी के लिए 5 अवार्ड 2020 में अलॉट किए गए हैं खेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं थर्ड अपनी कैटेगरी में, वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये भारत का सबसे बड़ा खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है जो खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है भारत का। ठीक है, यह भी खेल मंत्रालय के द्वारा अलॉट किया जाता है। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, आपके नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को ये मिलेगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और यह अवार्ड आपका प्रारंभ हुआ था 1991-92 में, इसे अलॉट करना प्रारंभ किया गया, इसका शुरुआत हुआ था 1991 से 1992 पे। ठीक है, तो ये हो गई कुछ जानकारी अवार्ड्स की। इसके बाद एक लास्ट अवार्ड जो हमारे आज के मेजर ध्यानचंद सिंह जी के नाम पर है। ठीक है, ध्यानचंद सिंह अवार्ड जो है उस पर आते हैं, तो ये भी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और इस कैटेगरी में इस साल आपको, जैसा मैंने पहले बताया, कि 15 लोगों को ये अलॉट 2020 में दिया गया। ठीक है, अभी आपने देखा होगा टेलीविज़न पे कि रोहित शर्मा आपको दिखे होंगे, दीप्ति शर्मा, ईशांत शर्मा, मनजीत सिंह, ये सारे खिलाड़ी, दीपक निवास हुड्डा कबड्डी के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, वो आपको इस साल टीवी पर दिखे होंगे। इसके अलावा पैरा एथलीट्स भी काफ़ी सारे थे, तो आपने देखा ही होगा, उसके बारे में अभी हम और आगे चर्चा करेंगे। आपको एक लिस्ट मिलेगी जो खिलाड़ियों के बारे में होगी। ठीक है, आगे आपको सारे जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में पता चलेगा, जैसे रोहित शर्मा क्रिकेट से आते हैं। ठीक है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, उन्हें मिला है। मिस रानी आपको जो एक अभी आपको नाम जो दिख रहा है 4th नंबर पे, वो है विनेस फोगाट, जो कि रेसलिंग के लिए उन्हें मिलता है। अभी आपने न्यूज़ देखा होगा, कल ही वो एक कोरोना पॉजिटिव आ गई, शायद वो गई या नहीं गई मुझे अभी नॉलेज में नहीं है, बट कल ही उनका कोरोना टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आया, विनेस फोगाट का, रेसलर है वो। इसके साथ आपको जो फिफ्थ नंबर पे जो नाम दिखेगा वो है मिस रानी का, जो कि हॉकी की प्लेयर है। इससे पहले अभी तक कोई भी महिला हॉकी खिलाड़ी को ये अवार्ड नहीं मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अभी तक इससे पहले किसी भी महिला हॉकी खिलाड़ी को नहीं मिला था। ये पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है ऐसी जिन्हें ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब आगे हम आते हैं, आपके पास काफ़ी सारे नाम हैं, आगे काफ़ी सारी लिस्ट आएंगी। सेकंड नंबर पे द्रोणाचार्य अवार्ड है, जो कि लाइफ टाइम कैटेगरी और रेगुलर कैटेगरी के लिए है। ठीक है, तो इस पर आपको काफ़ी सारे नाम देखने को मिलेंगे, धर्मेंद्र तिवारी हैं, पुरुषोत्तम राय हैं, इसके साथ ही शिव सिंह हैं। तो देखिए, इतने सारे नाम हैं, सभी हम याद तो नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसमें से कुछ जो अच्छे नाम हैं, जैसे कि आप कृष्ण कुमार हुड्डा, कबड्डी काफ़ी फेमस हो चुका है, जैसे आप प्रो कबड्डी लीग हर साल आयोजित होता है, 12 टीमें उसमें खेलती हैं। ठीक है ना, 7 प्लेयर होते हैं एक टीम में कबड्डी में, तो आप उन्हें याद रखें जो हाईलाइटेड हैं। इसके अलावा आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के वे प्लेयर जो उन स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके नाम आप याद रखें, और वो किस खेल के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है उनके नाम आप अच्छे से याद रखेंगे। मान लीजिए आप स्टेट एसएससी की एग्ज़ाम देते हैं, आप स्टेट के आप कोई भी एग्ज़ाम दें,
तो उन खिलाड़ियों के नाम रखें, याद रखें, जो आपके स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके नाम को आप स्पेशली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ें तो रेगुलर कैटेगरी के लिए भी आपको नाम मिलेगा, जिसमें कुलदीप कुमार हंडू, ठीक है, उनका नाम है, जो कि वुशु खेलते हैं। वुशु क्या है? वुशु जो है कुंफू, कुंफू को ही, चाइनीज कुंफू को ही हम वुशु के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ें अगर तो अर्जुना अवार्ड्स, अर्जुना अवार्ड्स का नाम आता है, जिसमें अतानु दास आर्चरी के लिए, तीरंदाजी के लिए उनको मिला है, अतानु दास को, ठीक है। तो ऐसे ही आपको और भी नाम मिलेंगे थर्ड लिस्ट में। आपको एक नाम दिख रहा होगा, दो नाम एक्चुअली, दो नाम, श्री ईशांत शर्मा जो कि क्रिकेटर हैं, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हैं ईशांत शर्मा, और दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेट टीम की हिस्सा हैं दीप्ति शर्मा, इन दोनों को अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस साल, ठीक है। तो ऐसे आपके नाम आपको आपके लिस्ट में मिल जाएगा, आप आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे इस लिस्ट का PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप इसको बाद में देख सकें। तो जो भी खिलाड़ी आपके स्टेट से रिलेटेड है, आप उनके नाम स्पेशली याद जरूर रखें, ठीक है। और जो खिलाड़ी जो फेमस है काफ़ी, जिन्हें फेम मिल चुका है ऑलरेडी, जैसे रोहित शर्मा मैंने बताया, ईशांत शर्मा मैंने बताया, दीप्ति शर्मा मैंने बताया, दीपक निवास हुड्डा मैंने बताया, हाँ, अतानु दास मैंने बताया, इनके नाम आप याद रखें बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम अपने नेक्स्ट अवार्ड की तरफ चलते हैं, वो है ध्यानचंद अवार्ड, फोर्थ नंबर का अवार्ड है ध्यानचंद अवार्ड, जिसमें आपको मिलेगा कुलदीप सिंह बुल्लर नाम, ठीक है। इसके अलावा एक नाम आपको मिलेगा कबड्डी में, मनप्रीत सिंह, कबड्डी के मनप्रीत सिंह, जिन्हें ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया इस साल, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। आपकी स्क्रीन पर अभी क्वेश्चंस आएगा, कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, इन क्वेश्चंस का आप आंसर जरूर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन में आएंगे, उनका आंसर आप करेंगे। आपके सामने चार ऑप्शंस मौजूद होंगे, ओके। तो पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जैसे आ चुका है, वो है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपके साथ चार ऑप्शन है, ए है 29 सितंबर, 29 अगस्त, 29 अक्टूबर, 29 जुलाई। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप एक बार बता दीजिए। ओके, तो इसका आंसर होगा बी, 29 अगस्त। इसके बाद आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, हु इज नोन एज मैजिशियन ऑफ हॉकी। तो इसका ऑप्शन है आपके पास चार ऑप्शन, सरदार सिंह, सतबीर सिंह, मेजर ध्यानचंद और सुरेंद्र कुमार। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद सिंह, ठीक है। एक्चुअली मेजर ध्यानचंद सिंह से मुझे याद आया एक फैक्ट, मैं उनके बारे में बता दूं, मेजर उनके सामने जो जुड़ा हुआ है, वो आर्मी में थे इसलिए उनके नाम के सामने मेजर जुड़ा हुआ है। वो 16 साल की उम्र में, जब वो 16 साल के थे तब ही वो आर्मी में आ चुके थे, 1922 में जब वो 16 साल के थे तब ही वो आर्मी में आ चुके थे, और उस टाइम वो सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे। उनका रिक्रूटमेंट जो हुआ था वो सिपाही के तौर पर हुआ था, बट खेल में अच्छा प्रदर्शन होने के कारण उन्हें प्रमोशन मिला, और वो लांस नायक, नायक इस तरह से प्रमोशन पाते हुए मेजर के पोस्ट पर पहुंचे, और इसलिए उनके नाम के सामने हम मेजर शब्द लगाते हैं, ठीक है। तो हम अब अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं कि ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ था, तो उसका सही आंसर एक बार आप बता देंगे मुझे। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए और उसका सही आंसर मुझे बता दीजिए। ऑप्शन ए है आपके पास 29 सितंबर 1905, 29 अगस्त, 29 अक्टूबर और 29 जुलाई। सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। आपके स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन आ चुका है, उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बी, 29 अगस्त 1905, ठीक है।
अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यानचंद जी का जन्म कहां हुआ था? वेयर वॉज ध्यानचंद बोर्न? ओके, तो इसका सही आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहले ही हम देख चुके हैं, इसका सही आंसर है इलाहाबाद या प्रयागराज। ठीक है, उनकी प्रयागराज में जन्मस्थली है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, ध्यानचंद जी का मूल नाम क्या था, मींस उनके बचपन का नाम क्या था, चाइल्डहुड नेम जो उनका था वो क्या था। मैंने आपको भी थोड़े टाइम पहले बताया, आप में से किसी ने, एक ने कमेंट करके बताया कि चंद जो नाम था उनके नाम पे बाद में जुड़ा, क्योंकि वो उनके दोस्तों के द्वारा दिया गया था, रात में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे इसलिए उनके दोस्तों ने उनके नाम पर चंद जो लगाया था। ठीक है, तो उनके बचपन का नाम क्या था, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा होगा, एक बार आप बता दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्यान सिंह। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, वो है ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट में कब शामिल हुए थे। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया कि ध्यानचंद जी 16 साल की उम्र में ही आर्मी में शामिल हो चुके थे एक सिपाही के तौर पर, और प्रमोशन खेल में अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्हें प्रमोशंस मिले और वो एज मेजर जॉब करते रहे। उन्होंने 22 साल हॉकी खेली, 1926 से 1948 1926 से 1948 तक। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए कि वो पंजाब रेजिमेंट में कब शामिल हुए। ऑप्शन हैं आपके पास चार, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी 1922, 16 साल की उम्र में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। ठीक है, इसके बाद है ध्यानचंद जी की मृत्यु कहां हुई थी, ध्यानचंद जी की मृत्यु कहां हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर, इसके साथ मैं एक चीज और, उनकी मृत्यु जो हुई थी 3rd ऑफ दिसंबर 1979 को हुई थी। ठीक है, और उनकी मृत्यु हुई थी, चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, पहला है पंजाब, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी है दिल्ली और डी है महाराष्ट्र। ठीक है, चार ऑप्शंस हैं, इसमें से आपका सही आंसर है वो है सी, दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बारे में आपको एक बात बता दूं, सी दिल्ली, आप जैसा कि देख रहे हैं उनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्टेडियम था, उनकी मृत्यु हुई जब, तो उनके नाम पर दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम मेजर ध्यानचंद सिंह स्टेडियम रख दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। एट्थ नंबर पे आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। ठीक है, एट्थ नंबर का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, एट्थ नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप क्वेश्चन को पढ़िए, चार ऑप्शंस होंगे आपके पास, उन चार ऑप्शंस में से सही आंसर कौन सा है आप बताएंगे मुझे। तो क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पैरा एथलीट का नाम बताइए। आपको एक टेबल इसके पहले जो दिखाया गया था उसमें वो नाम है, आप उसका पीडीएफ अगर चाहते हो तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो उनका नाम है। तो इन चार ऑप्शंस में से अगर किसी को आंसर पता है तो आप बता दीजिए। विजय गोस्वामी बोल रहे हैं ऑप्शन डी, श्री मरियप्पन टी, एकदम सही आंसर है डी आंसर। इसके बाद हम हमारे नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पांच लोगों को मिला, जैसे मैंने बताया, उसमें से एक क्रिकेटर थे जिन्होंने 2020 के लिए जिन्हें नॉमिनेट किया गया है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, रोहित शर्मा, MS धोनी, सुरेश रैना, शिखर धवन, इसमें से कौन है आप बता दीजिए। अभी कई बार मैंने उनका नाम भी लिया है यहां पे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही, रोहित मथुरिया और विजय गोस्वामी कह रहे हैं, शुभम की पाठशाला भी कह रहे हैं ए, ऑप्शन ए रोहित शर्मा एकदम करेक्ट आंसर है। इसके बाद चलते हैं हमारे
अगले क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति के प्रमुख का नाम बताइए। ठीक है, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिलते हैं जो भी खिलाड़ी को, उनके नॉमिनेशंस होते हैं, तो जो कमिटी या जो भी समिति इन खिलाड़ियों को चयनित करती है, उस कमिटी के प्रमुख, उस कमिटी के हेड कौन है, उनका नाम बताइए। आपके पास चार ऑप्शंस है, मुकुंदकम, ये आपको स्पेलिंग गलत दिख रही होगी, इनका नाम है पूरा नाम मुकुंदकम शर्मा, शरद पवार, मनु शाह और डी है गोविंद शर्मा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है एक बार बताइए। ऑप्शन ए लिख रहे हैं मुकुंद शर्मा, एकदम करेक्ट आंसर है मुकुंदकम शर्मा, जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस है। ठीक है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस है मुकुंदकम शर्मा, वो हेड है भारतीय खेल रत्न पुरस्कार कमिटी के। ठीक है, तो आज का दिन 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो आप भी फिट रहिए, ये मैं चाहता हूँ, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिट रहिए, सेफ रहिए, यही मैं कामना करता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं ये बोलूँगा कि हमारा ये जो लाइव सेशन था दोनों ही चैनल्स पे था, तो मैं ये बोलूँगा कि आपको कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम का चैनल भी है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक में हमारे चैनल्स हैं, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। और नॉन टेक्निकल से संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट होती है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है जेनिक जेई स्टडी नॉन टेक में जुड़ करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा आपको कि आप हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि उन्हें मदद मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।